हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ GTA San Andreas के लिए GTA 5 का वेपन सेलेक्टर। एज यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वेपन सेलेक्टर है, इसके जरिए आप अपनी गन्स को वेपन सेलेक्टर के एक व्हील के जरिए जो है स्विच कर सकते हो, जैसा कि GTA 5 के अंदर होता है नॉर्मली। तो इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो मिलने वाला है GTA 5 का, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो एक्सपीरियंस है, जो मज़ा है ना, वो ऑसम है, बहुत ज़्यादा ऑसम है। बिकॉज मैंने खुद ट्राई किया है एंड उसके बाद ही मैं इस मोड को अपलोड कर रहा हूँ, दैट्स वाई। तो आई रिकमेंड इट टू यू कि इसको डाउनलोड करो एक बार। डाउनलोड करने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मोड पैक पसंद आने वाला है, ठीक है। आप इस मोड को जो है अपनी मोड पैक के अंदर, अपने जो प्राइमरी मोड पैक है उसके अंदर एड भी कर सकते हो, तो आपका जो मज़ा है और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा इस गेम का। एंड मैं बता दूँ कि अब आगे जो है चैनल पे डायरेक्ट एक्स 2.0 का एक बहुत ही अच्छा वाला ग्राफिक मोड आने वाला है, तो उसके लिए सब के सब रेडी रहना, क्योंकि वो जो मोड पैक होगा बेसिकली वो बिल्कुल बिल्कुल अलग मोड पैक होने वाला है, और वो जो है आपका पूरा का पूरा गेम चेंज करने वाला है, ठीक है। तो वो जो मोड पैक है वो जल्दी आने वाला है, उसकी वीडियो जल्दी अपलोड होगी चैनल पे, तो तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही मोड्स अभी रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप अपना एक बहुत ही अच्छा कस्टम मोड पैक क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो पूरी देखना, इस वीडियो के अंदर आपको इस मोड का इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ एंड सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का वो और ज़्यादा दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। अब आता है गाइस ये क्वेश्चन कि हम अपनी मेन्यू को अपनी गेम में किस तरीके से ओपन करें। तो ओपन करने के लिए आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे जो यहाँ पे मनी है, यहाँ पे दो बार क्लिक करना है, ठीक है, डबल टैप करना है, उसके बाद में आपको जो मेन्यू होगा वो ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरा मेन्यू ओपन हो चुका है और मैं जॉयस्टिक से अपनी गन्स को जो है स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आप देख लो, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को ये कहेंगे कि हम अपने मेन्यू को ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है मैंने यहाँ पे बता दी है, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा जो इंस्टॉलेशन है आपने देख लिया है, किस तरीके से आपको मेन्यू ओपन करना है वो चीज़ भी आपने देख ली है। तो या गाइस, यहाँ पे पूरा जो चीज़ है वो क्लियर हो चुकी है एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। एंड रुको भाई, अभी वीडियो छोड़ के मत जाना यार, अभी बहुत बातें करनी है आपसे। बेसिकली काफ़ी चीज़ें मुझे अभी कहनी हैं, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिमम बंदे हैं वो सब्सक्राइब्ड नहीं है चैनल पे, यानी कि जो व्यूवर्स है बेसिकली रोज़ाना आ रहे हैं, कोई सर्च रिजल्ट से आ रहा है, तो कोई ब्राउज फीचर से आ रहा है, तो कोई लाइक शेयर करने से, या फिर नॉर्मली जो सब्सक्राइबर्स है बेसिकली वो आ रहे हैं। वैसे सब्सक्राइबर्स तो आ रहे हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, ठीक है, बाकी जो व्यूवर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं और व्यूवर्स भी है जो कि सब्सक्राइब नहीं करके रखे हुए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आप आके मोड्स ले रहे हो, मोड्स डाउनलोड कर रहे हो, उसके बाद में अपनी गेम में ट्राई कर रहे हो, गेम को इन्जॉय कर रहे हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा मोटिवेशन बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है एंड आई होप कि लाइक आप शेयर तो करते ही होंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिनको ऐसे मोड्स की ज़रूरत होती होगी एंड सभी मोड्स जो है मेरे चैनल पर वर्क करते हैं। एंड एक और बात, ये जितने भी जो मोड्स हैं बेसिकली GTA San Andreas 2.0 के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली उनके लिए नहीं होते, लेकिन ये सारे मोड्स जो है मैं उसी के अंदर ट्राई करता हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल वर्जन है GTA San Andreas 2.0 वर्जन, ठीक है, तो उसी के अंदर ये टेस्टेड होते हैं मोड्स। एंड मुझे आशा होती है कि सभी मोड जो है वर्क करते हैं आपके फ़ोन में, क्योंकि मैं इनको टेस्ट करके अपलोड करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ वहाँ से उठाया एंड क्या अपलोड कर दिया,
ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, पूरा टेस्टिंग करता हूँ एंड पूरी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करके देन उसको मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो ये है कि आप मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिए सब्सक्राइब करके एंड इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई बात करनी है मुझसे, या फिर अगर आपको कोई सजेशन, या फिर अगर आपको कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हो कि मैं उसको सोल्व करूँ, तो मुझे आप वहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे जो है रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था थोड़ा बड़ा था, तो आई होप कि आपने समझा होगा पूरी तरीके से। एंड या दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करना अगेन। थैंक यू सो मच एंड या बाय।